एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, दिस इज द न्यू पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। ठीक है, अभी तक हमने काफी सारे पार्ट्स देख लिए और वो सारे के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। ये मत समझना कि वो करंट अफेयर्स तो पुराने हो गए होंगे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर IBPS AFO, जो आपका जनवरी 2023 में मेंस होता है, या अपना बार्ड के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सारे एग्जाम्स को कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहो। ठीक है, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो करंट अफेयर्स होते हैं ना एग्रीकल्चर के, इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 3 महीने या 4 महीने पुराना करके चल जाएगा, वो वाला काम इसके अंदर नहीं चलता है। ठीक है, सो लेट अस क्विकली स्टार्ट गाइस एंड पार्ट 22 कवर हम करेंगे। ऑल्सो यू ऑलरेडी नो दैट वी हैव अ 2000 प्लस नॉन मीडियम एमसीक्यू कोर्स, 30-30 क्वेश्चंस के टेस्ट यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। 50% उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा आपको आफ्टर यूजिंग द कोड happy50। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज इन। मैं आपको पहले भी बार बार बता चुका हूँ कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं करंट अफेयर्स वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर, उसमें बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चन भी होते हैं। वो स्टैटिक क्वेश्चंस अल्टीमेटली करंट अफेयर डिराइव्ड ही होते हैं, बिकॉज करंट अफेयर्स में उनका कोई रेफरेंस होता है या जो भी चीजें होती है। ठीक है, सो जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर लोकेटेड है? आपके पास 5 ऑप्शंस हैं। लेक्चर को देखते हुए, क्वेश्चन देखने के बाद, समझने के बाद वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जरूर आंसर करें और आंसर अपना मार्क करें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको कितने आते हैं। ठीक है, कितना आप खुद से कर पा रहे हो, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने आपने स्किप किए। So the right answer over here guys will option C, जबलपुर मध्य प्रदेश। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि 1 अक्टूबर 2022 को इसका 59th फाउंडेशन डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। दैट इज वाई जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज इन न्यूज। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आ जाएं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के ऊपर, और ये जो स्कीम है ये स्पेसिफिकली पंजाब, हरियाणा, यूपी और जो आपका दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी वाला जो रीजन है, वहां पर जो एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है लोगों को स्टबल बर्निंग की वजह से। ठीक है, पराली जिसको हम बोलते हैं, जो पराली जलाई जाती है, तो उसके लिए, उसको मैनेज करने के लिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और इस स्कीम के अंडर फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी को परचेज कर सके। ठीक है, ताकि पराली को जलाना ना पड़े। तो इसमें कितने परसेंट सब्सिडी इस स्कीम के अंदर सरकार देती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। A 30, B 40, C 50, D 60, इन ऑफ दी अबव। अब इस तरह के क्वेश्चन में ना तुक्केबाजी का कोई स्कोप नहीं होता। अगर आपको कि सर मैं तो तुक्का लगा के कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो कोई फायदा है नहीं, उसका जीरो बेनिफिट है। ठीक है, क्योंकि ये वो वाले क्वेश्चन है, या तो आपको आते हैं या नहीं आते हैं। द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, 50%। 50% सब्सिडी जो है वो फार्मर्स को दी जाएगी अगर वो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी को परचेज करते हैं। ऑल राइट, सो दिस वॉज इन न्यूज। क्योंकि देखो ये हर साल न्यूज में आता है, जब भी सर्दियों का टाइम शुरू होता है ना, मतलब कि आपका जो खरीफ क्रॉप है वो हार्वेस्ट होने का टाइम आ जाता है, विंटर टाइम आ जाता है, वो क्लाइमेट भी ऐसा सा बन जाता है, एयर बहुत ज्यादा ब्लो नहीं करती है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जो है वो टिका रहता है एक जगह पर। ठीक है जी, तो इसीलिए ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो है वो बनाई गई है इन एरियाज को हेल्प करने के लिए। और 2018-19 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। ओके, और इस स्कीम के अंदर 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है फार्मर्स को अगर वो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीनरी परचेज करते हैं। और अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस या पंचायत्स जो हैं, या कस्टम हायरिंग सेंटर्स, ये बेसिकली क्या होता है, जहां पर आप एक तरीके से किराए पे मशीनें दे देते हो किसानों को, जो किसान खरीद नहीं सकते, छोटे किसान है, वो कहेंगे कि हम इतनी बड़ी मशीन लेकर के कहां रखेंगे, इतनी तो हमारे पास जगह नहीं है, इतना बड़ा तो खेत नहीं है जितनी बड़ी मशीन है। तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं कि वो किराए पे ले लेते हैं। तो ऐसे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, FPOs हैं, या
कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं जो फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं रेंट पे इन मशीन्स को प्रोवाइड करके, उनके लिए जो सब्सिडी है वो 80% की है। ठीक है, अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने इंडिविजुअल फार्मर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा था तो 50% था, वो कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए भी पेपर के अंदर पूछ सकता है। ठीक है जी, अब ये जो स्कीम है ये क्या कहती है कि मशीनों का इस्तेमाल करो, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, पेडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रोलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो, क्रॉप रीपर्स, रीपर बाइंडर्स, तो इन सबको आप यूज कर सकते हो ताकि स्टबल बर्निंग ना करना पड़े और आप क्रॉप रेजिड्यू का अच्छे से मैनेजमेंट कर सके। चलिए थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रैंक्स फर्स्ट इन एरिया अंडर कोकोनट कल्टीवेशन, कोकोनट कल्टीवेशन इनमें से कौन सी सिटी के अंदर सबसे ज्यादा है। अगेन पीआईबी डिराइव्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स रैंक्स फर्स्ट इन एरिया अंडर कोकोनट कल्टीवेशन, ए पांजी, बी कोयम्बटोर, सी बेंगलुरु, डी मैसूर, ई नन ऑफ दी अबव। ठीक है जी, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगेन तुक्केबाजी का स्कोप नहीं। सो द राइट आंसर इन दिस केस गाइज इज ऑप्शन बी कोयम्बटोर। कोयम्बटोर के अंदर आपकी सबसे ज्यादा कोकोनट कल्टीवेशन जो है वो रहती है। तो कोकोनट कल्टीवेशन की बात करें तो इंडिया लीडिंग है कोकोनट कल्टीवेशन के अंदर और दुनिया के 3 सबसे बड़े कोकोनट प्रोड्यूसर्स में हमारा नाम आता है। देश भर की बात करें तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा कोकोनट प्रोड्यूस करता है, सबसे ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन भी तमिलनाडु के पास है। तमिलनाडु में अराउंड 21% एरिया जो है देश का, यानी कि अगर पूरे देश में सिर्फ 100 हेक्टेयर जगह पर कोकोनट कल्टीवेशन होती है तो उसमें से 21 हेक्टेयर जगह जो है वो तमिलनाडु के अंडर है एरिया अंडर कल्टीवेशन, और 26% देश की प्रोडक्शन जो है वो भी तमिलनाडु से आती है। और अगर हम कोकोनट प्रोसेसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें भी तमिलनाडु सबसे पहले नंबर पर आता है। और अगर सिटी वाइज देखें तो तमिलनाडु का जो कोयम्बटोर सिटी है इट इज फर्स्ट इन एरिया अंडर कल्टीवेशन, अराउंड 88,467 हेक्टेयर्स एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है वो कोयम्बटोर के अंदर है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट Prime Minister Narendra Modi in the month of October launched an international fertilizer e-magazine. What is the name of that magazine? Okay, so a magazine was launched, e-magazine. Okay, options are A. India Edge, B. India Takes Edge, C. Indian Edge, D. Edge India, and E. None of the above. So you see, the options are very close. So sometimes a student who has also gone through the current affairs, who might have seen दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर, जिन्होंने पढ़ा भी था, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर के अंदर जाकर के कि यार क्या कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। एक बार पढ़ने से ये कंफ्यूजिंग एलिमेंट जो है वो पेपर के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा दैट विल बी ऑप्शन सी इंडियन एज। ओके, सो इंडियन एज ये एक इंटरनेशनल वीकली फर्टिलाइजर ई मैगजीन होगा एंड इसके अंदर इन्फॉर्मेशन रहेगा डोमेस्टिक इंटरनेशनल फर्टिलाइजर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं प्राइसेस के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में, कंजम्पशन के बारे में, और फार्मर्स की वेरियस सक्सेस स्टोरीज वगैरह भी इसमें हाईलाइट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम The fertilizer companies will need to market their fertilizers under a single brand name. What is the brand name? तो सरकार अभी क्या बोल रही है? सरकार कहती है कि यार ये फर्टिलाइजर जो है वो अलग अलग नामों से आते हैं। तो सरकार कहती है कि यार हम एक ना वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम बनाते हैं, उसके अंदर जो भी फर्टिलाइजर कंपनियां है ना वो अपने फर्टिलाइजर्स को एक नाम से, अलग अलग कंपनियां लेकिन एक नाम से फर्टिलाइजर बिकेगा, वो एक नाम क्या होगा? ऑप्शन ए इंडिया, बी इंडी, सी भारत, डी भारत वर्ष, या ई नन ऑफ दी अबव। अगेन क्लोज ऑप्शंस। सो द न्यू फर्टिलाइजर विल बी कॉल्ड एज भारत। तो भारत ब्रांड नेम के अंदर जितनी भी फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वो इस कॉमन ब्रांड नेम के अंदर अपना जो प्रोडक्ट है उसको बेचेंगे। ओके, सो प्राइम मिनिस्टर लॉन्च प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम। Under this, Prime Minister launched Bharat Urea Bags, which will help companies make fertilizers under the single brand name called Bharat. Sixth question के ऊपर आ जाएं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रा स्कीम
कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, बी केमिकल एंड फर्टिलाइजर, सी नबार्ड, डी नीति आयोग, या ई नन ऑफ दी अबव। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं? द राइट आंसर ओवर हेयर गाइज विल बी ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर आपकी प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र जो है वो आएंगे। सो प्रधानमंत्री ने जब ई मैगजीन और भारत फर्टिलाइजर ब्रांड नेम लॉन्च किया तभी उन्होंने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी इनॉग्रेशन किया जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आते हैं। इस स्कीम के अंदर क्या है, जो भी रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स है ना कंट्री के अंदर, उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू दिस प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र एक फेज्ड मैनर के अंदर धीरे धीरे। बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र होंगे ना, ये फार्मर की जो अलग अलग नीड्स होती है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ नीड्स होती है, उनको फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। ये वेरियस एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, जैसे कि फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो गए, टेस्टिंग फैसिलिटीज हो गई सॉइल्स की, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए। ओके, फार्मर्स के अंदर अवेयरनेस जनरेशन का भी काम करेंगे कि अगर कोई फार्मर जा रहा है किसी से किसान समृद्धि केंद्र में, तो उसको वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हाँ जी आपके इस एरिया में आपकी लैंड है, उसके सॉइल के हिसाब से ये सीड्स आपको यूज करने चाहिए, ये फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। साथ ही साथ फार्मर्स को अवेयरनेस दी जाएगी रिलेटेड टू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स, जो वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र होंगे, इसके अंदर रेगुलर कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा रिटेलर्स का, ताकि फार्मर को मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। ओके, एंड अभी तक सरकार ने बोला है कि हम 3.3 लाख 3.3 लाख रिटेल फर्टिलाइजर शॉप्स को पीएम के एस के में कन्वर्ट करेंगे। अक्टूबर में 600 पीएम के एस के प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किए हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आ जाओ, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 ये कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ? ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, या नन ऑफ द अबव। ये भी अक्टूबर के अंदर हुआ था आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन, तो ये कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया? सो द राइट आंसर ओवर हियर गाइस विल बी ऑप्शन ए न्यू दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, महिला किसान दिवस ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए 10 अक्टूबर, बी 15, सी 20, डी 25, ई नन ऑफ द अबव। अगेन बेसिक क्वेश्चन है और आता या ना आता वाला सिनेरियो बनेगा यहां पर भी। राइट आंसर गाइस इज 15 अक्टूबर। महिला किसान दिवस की अगर हम बात करें तो वेरियस एजेंसीज इसके अंदर कोलैबोरेट करती हैं टू सेलिब्रेट दिस। तो इसमें आपका नेशनल जेंडर रिसोर्स सेंटर इन एग्रीकल्चर आ जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आ जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट आ जाता है, जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये महिला किसान दिवस या इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे भी इसको बोलते हैं। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हेन महिला किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड, वो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि इंटरनेशनल रूरल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसमें 15 अक्टूबर 2022 आ जाएगा, ठीक है जी। और क्योंकि 2023 में आप जानते हो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसी वजह से इस बार का जो महिला किसान दिवस था इसका थीम भी मिलेट्स के अराउंड था। सो द थीम वाज मिलेट्स एम्पावरिंग वुमेन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। वंस अगेन इट विल बी इम्पॉर्टेंट, थीम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022 द डैश एसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री वॉज हेल्ड, ठीक है। तो मीटिंग का बेसिकली नंबर पूछ रहा है, कितनी मीटिंग थी ये, पहली दूसरी, इस तरीके से ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड नन ऑफ द अबव। राइट आंसर गाइस इज सेवेंथ, सेवेंथ एसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री जो है इसको कंडक्ट किया गया था अक्टूबर में, और ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इसके को चेयर जो थे हमारे नरेंद्र सिंह तोमर थे, जो आपके मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैं, एंड इसके अंदर वेरियस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने, ब्रुनाई, कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, इन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था। बट ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये नंबर याद रख लो।
टेंथ क्वेश्चन पे आ जाएं। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 2021-22 के लिए एज पर द थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स, अभी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स आए थे अक्टूबर 2022 में, तो उसके हिसाब से टोटल हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन कितनी हुई है 2021-22 में। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ा है तो कर सकते हो, तुक्का लगा के तो कोई फायदा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग ही होगी। राइट आंसर इज 342.33 मिलियन। तो ये आपका पीआईबी का डाटा है, ठीक है जी। सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स और थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स यहां पर आपको गिवन है। अब सेकंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स की तो इतनी जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन हुई है 342.33 मिलियन टन, ओके। और ये 2020-21 के फाइनल एस्टिमेट्स के मुकाबले ज्यादा है, उस टाइम पर 336.60 थी। एरिया की बात करें तो एरिया अंडर कल्टीवेशन भी थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स में ज्यादा निकल करके आया है, 228.08 है थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स में, और 2021 के फाइनल में इट वाज 27.48। कुछ और डाटा भी देख लेते हैं, तो 342.33 मिलियन टन तो आप देख चुके हो, तो अराउंड 7.73 मिलियन टन का इंक्रीज है 2020-21 के मुकाबले, जो 2.3% है। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस पेपर के अंदर आ जाते हैं कि 2020-21 के फाइनल एस्टिमेट्स के मुकाबले 2021-22 के थर्ड एडवांस्ड एस्टिमेट्स में जो लेटेस्ट एक डाटा है कितना इंक्रीज हुआ है, ओके। प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो 107.24 मिलियन टन है, 2021 में 102.48 मिलियन टन था। वेजिटेबल्स का 204.84 मिलियन टन है, 2021 के फाइनल में 20.45 मिलियन टन था। अनियन की बात करें तो 31.27 का एस्टिमेशन है, 2021 में 26.4 मिलियन टन था। पोटैटोज की बात करें तो 53.39 मिलियन टन का एस्टिमेशन है, 56.17 2021 में हुआ था, तो इसमें पोटैटो में थोड़ा पीछे चल रहे हैं अभी। टोमेटो की भी अगर बात करें तो 20.33 मिलियन टन है, 2021 में 21.818 मिलियन टन था, तो इसमें भी अभी पीछे है। दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा नहीं आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मजा आया तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को अगर दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर करें, और फ्रेंड्स के साथ अगर हो सके तो शेयर करें। मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।